कोरोना के 159 प्रकरण नए आए हैं, जबकि ठीक होकर जाने वाले 121 लोग हैं 1-to-1। जो एक्टिव केस पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में आए वो 1245 हैं। अभी वर्तमान में जो एक्टिव केस मध्य प्रदेश में हैं वो 1245 हैं। सैंपल कलेक्शन पिछले 24 घंटे में जो हुआ है वो 5271 लोगों का सैंपल कलेक्शन हुआ है। संक्रमण दर वर्तमान में मध्य प्रदेश में 3.02 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.6 स्थिर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में एक पुलिसकर्मी संक्रमित हुआ है। वर्तमान में पुलिस के 5 एक्टिव केस प्रचलन में हैं। पिछले 24 घंटे में जो वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में हुआ है वो 76,603 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक कुल जो मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन हुआ है वह 12,13,98,297 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। जी, उसमें 12 डेड बॉडी मिली थी, 12 की 12 उनके परिवारों को सुपुर्द कर दी गई हैं। दुखद घटना थी। 7 महाराष्ट्र के लोग थे, 4 उसमें राजस्थान के लोग थे और 1 इंदौर के व्यक्ति थे। हमारी एनडीआरएफ की टीम भोपाल से वहां पर गई हुई है। अभी भी वो लगातार सर्च कर रही है कि कोई रास्ते में तो नहीं बैठा है, रास्ते में तो नहीं आ गया है। और इसलिए इस भ्रम को दूर करने के लिए, लेकिन जो सरवटे बस स्टैंड से जानकारी मिली थी वो 12 की ही मिली थी और 12 ही हैं उसमें, इन ऑल 12। कारण तो अभी भी उसी तरह का बताते हैं कि मोटरसाइकिल वालों को बचाने के कारण से बस बहकी और नदी में चली गई। दिग्विजय सिंह के अरेस्ट के पक्ष में आए हैं नगरीय निकायों के परिणाम और काफी उत्साहजनक रहे हैं। दिग्गी तले अंधेरा, आपने पहले सुना होगा, दिया तले अंधेरा। हैरत की बात है कि जिस राधोगढ़ नगरपालिका से अपने राजनीतिक कैरियर की उनने शुरुआत करी थी, उस नगरपालिका में कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें मिली हैं और उसके बाद भी भाई खुश हैं। वैसे दिग्विजय सिंह जी की गलती कम लग रही है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि टिकट कमलनाथ ने बांटे, तो कमलनाथ ने बांटे हैं तो राजगढ़ में भी उन्होंने ही बांटे होंगे, तो कमलनाथ जी के टिकट जैसे होना चाहिए वैसे निकले राजगढ़ में भी। ग्वालियर नगर निगम में जो और सीबीएसई के पाठ्यक्रम से ये मुगल साम्राज्य का उदय और फैज अहमद, इनको सबको हटा दिया गया है, नया पाठ्यक्रम जो आया है परसों से उसमें इन किताबों में ये सब चीजें गायब है। आक्रांता कभी भी हमारे आदर्श हो नहीं सकते, और इसलिए अगर हटाए गए हैं आक्रांताओं के, तो मैं उस निर्णय का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश की सरकार भी समीक्षा करेगी कि इस तरह से आकांक्षा हमारे पाठ्यक्रम में तो नहीं, आगे विचार करेंगे। कांग्रेस में हार इच्छा हुई, कमलनाथ जी बैठक करने जा रहे हैं, हार क्यों हुई उसका पता लगाया जाए। लगातार मैं देख रहा हूं कि पिछले 2-3 साल से हार की समीक्षा हो रही है, कभी जीत की भी करो। 28 की हुई तो हार गए, फिर 4 विधानसभा लोकसभा की हुई तो हार गए, नगरपालिका नगर पंचायत की हुई तो हार गए। भैया निकलो कभी जनता की सेवा के लिए, कोरोना में निकलो, बाढ़ में निकलो, तो जनता भी तो देखे आपको कभी बीच में। जनता के बीच जाना ही नहीं है तो हार की समीक्षा ही होगी। क्यों नहीं करेगी, जरूर करेगी समीक्षा, तो कहीं भी हार हो। वैसे हमें बहुमत मिला है वहां पर, भारतीय जनता पार्टी को ग्वालियर में बहुमत मिला है, लेकिन समीक्षा तो हमेशा करनी ही चाहिए। विधानसभा की सुरक्षा को नहीं करना, जैसे लोकसभा में धरने प्रदर्शनों का प्रतिबंध की बात आई है सामने, क्या मध्य प्रदेश विधानसभा में विचार है कि ऐसे प्रदर्शन रोकने के? नहीं, लोकसभा का जो प्रस्ताव आया है अभी पूरा उसका अध्ययन हुआ नहीं है, पर अगर जो पढ़ने में आया है वो अच्छा है, ऐसी मेरी मान्यता है। और जो परिसर है वो वहां पर वास्तव में प्रदर्शन काय का,
बाहुबल का क्या अर्थ है वहां पर, तो बुद्धि कौशल दिखाना चाहिए। बाहुबल का तो होता ही नहीं है विधानसभा के अंदर, बुद्धि कौशल का होता है। वो फ्लोर हमें मिला है संवाद के लिए मिला है, चर्चा के लिए मिला है, इसलिए वो चर्चा होनी चाहिए। विधानसभा सत्र सितंबर में होगा? हाँ, सितंबर में भी हो सकता है, प्रस्तावित करेंगे महामहिम के लिए। तो क्या मध्यप्रदेश में भी विधानसभा में इस तरह कुछ विचार चल रहा है? विचार किया जा सकता है, अच्छा सुझाव है, मैंने ये कहा।